बढ़िया क्वालिटी के अंदर हाइपरसोनिक की एलईडी इंस्टॉल कर देंगे भाई लाइफ टाइम वारंटी के साथ। यहाँ पर भाई सबसे पहले स्टेयरिंग रैप कर रहे हैं, जो अपना इंटीरियर का कलर है ना सेम इसी कलर के अंदर मैच कर दिए भाई। भाई डाई वाली फ्लोरिंग, ये देखो मैंने आपको मैट उठा के दिखा रहा हूँ, ओरिजिनल बीएमडब्ल्यू के जैसा डिजाइन मिल रहा है अपने को भाई। साथ साथ यूएसबी पोर्ट आर्मरेस्ट के अंदर भाई, मजा आ गया भाई। A1 क्वालिटी है, जो मैं सोच के आया था उससे ज्यादा ही मिला बल्कि। हेलो गाइज, मैं हूँ हार्दिक पांचाल और आज आया हुआ भाई फिर से सिल्वर स्टार कार सीरीज पे। अपने पास है ह्यूंडई की एक्स्टर। इस गाड़ी ने मार्केट के अंदर इतना धमाल मचा दिया ना, इतना मजा बांध दिया है कि भाई जो इसकी सेगमेंट है ना और इसकी लुक है भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती है देखने में। एक्स्टर के अंदर भाई बहुत बढ़िया काम हुआ है, जो सारा जेन्युइन हुआ है और भाई उससे लुक भी इनहेंस होती है और मतलब सारी की सारी यूजेबल चीज है भाई। यहाँ पर पता है आपको सारी चीजों की वारंटी मिल जाएगी सिल्वर स्टार पे एक तो, और दूसरी चीज भाई बढ़िया क्वालिटी का वर्क मिलने वाला है आपको। और गाड़ी के अंदर अगर आप लगवा लोगे ना मजा आ जाएगा, फिर आपकी हुंडई एक्स्टर एक्स्टर नहीं रह जाएगी, फिर ये ना आपको बीएमडब्ल्यू वाली फील देगी भाई। वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, बीएमडब्ल्यू वाली फील तो नहीं देगी बट लेकिन बीएमडब्ल्यू जैसी सेम एक चीज इसके अंदर लगाई गई है भाई, काफी बढ़िया लगती है देखने में। अंदर लगाइए वो, बाहर से नहीं पता लगेगी आपको। तो चलो भाई सबसे पहले बात करते हैं हुंडई एक्स्टर के अंदर क्या हुआ है। आप लोगों को पता होगा भाई DRL तो अपनी कंपनी से आ जाती है बट लेकिन इसकी जो हेडलाइट है इसके अंदर हैलोजन बल्ब आता है, जिसको चेंज करके भाई ओरिजिनल हाइपरसोनिक की LED इंस्टॉल करी है। एक बार आपको ऑन करके दिखा दो तब आपको असली फील पता लगेगी गाड़ी की। हाँ से इसकी एक बार हेडलाइट ऑन कर देते हैं हम। तो ये देखो भाई, अब दिख रही है आपको हेडलाइट जलते हुए इसकी LED के अंदर है भाई। ये देखो पास से देखोगे पता लग जाएगा भाई, प्रोजेक्टर के अंदर LED लगाई है, पहले हैलोजन बल्ब आता था। ये DRL अपनी कंपनी से आ जाती है भाई, काफ़ी प्यारी लगती है भी। अब टोटल इसका ना LED सेटअप हो गया है, क्योंकि हैलोजन और DRL ना मैच नहीं करती, क्योंकि LED आती और ये अपना हैलोजन आता था बट लेकिन इसके अंदर LED करवा के हाइपरसोनिक की बढ़िया मज़ा आ गया। तो भाई कहने मतलब अगर आप ह्यूंडई एक्स्टर लेके आते हो बढ़िया क्वालिटी के अंदर हाइपरसोनिक की LED इंस्टॉल कर देंगे भाई लाइफ टाइम वारंटी के साथ, मज़ा आ जाएगा गाड़ी के अंदर। उसके बाद भाई यहाँ पे आप सामने चेकआउट करते हो, थ्रो आपको अभी दिन हो रहा है भाई, धूप हो रही इतनी तेज तो दिखेगा ही नहीं, खैर लाइट जलती हुई दिख रही है वही बहुत है क्योंकि भाई धूप के अंदर ये सारी चीजें नहीं दिखती। इनका थ्रो ना असली आपको रात को पता लगता है जब गाड़ी हाईवे पे चलती है या फिर मेन रोड पे चलती है। कहने मतलब ह्यूंडई एक्स्टर की फ्रंट से बिल्कुल बढ़िया लुक हो गई जेन्युइन वाली। अब आपको लेके चलता हूं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर बट लेकिन उससे पहले भाई साइड में देखोगे तो गाड़ी के अंदर डोर वाइजर आपको जरूर से लगे हुए दिख जाएंगे यहाँ पर, जो भाई यहाँ पर विदाउट क्रोम वाले लगे हुए हैं। आपकी चॉइस रहती है, आप क्रोम वाले भी लगवा सकते हो, विदाउट क्रोम वाले भी लगवा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बट लेकिन भाई अगर आपका डार्क कलर है तो क्रोम वाले लगवा लो, अगर लाइट कलर है ना वाइट कलर या फिर सिल्वर कलर तो आप विदाउट क्रोम वाले लगाओ, वो ज़्यादा बढ़िया लगता है। कहने मतलब ये रहता है। अब लेके चलता हूँ भाई आपको गाड़ी के इंटीरियर के अंदर, और इंटीरियर में मेन आपको मॉडिफिकेशन दिखने वाली है जो अभी इसके अंदर चलने लग रही है। ये देखो भाई यहाँ पर भाई सबसे पहले स्टीयरिंग रैप कर रहे हैं, OEM क्वालिटी के अंदर है भाई, बिल्कुल ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, कंपनी भी नहीं देती होगी ऐसा जैसा भाई रैप कर देगा। अभी एक बार करने देते हैं प्रॉपर, फिर आपको दिखाता हूँ। उसके बाद भाई गाड़ी के अंदर लगाए हैं प्रीमियम क्वालिटी के अंदर सीट कवर्स भाई, जो अपना इंटीरियर का कलर है ना सेम इसी कलर के अंदर मैच कर दिए भाई, जो भाई काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी के अंदर मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट के अंदर लगाया है इसके अंदर, यहाँ पर अपनी लेदर मिल जाती है सिल्वर कलर के स्टिचेस के साथ और यहाँ पर भी अपना सेम स्टिचेस यूज करी है, बाकी थोड़ा डायमंड सा डिजाइन दे रखा है इसके अंदर, काफी बढ़िया लगता है भाई। इसके अंदर अपने एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आते तो इसलिए ऐसी चढ़ता है इसके अंदर। और भाई उसके बाद जो मेन चीज है ना गाड़ी के अंदर जो होनी ही चाहिए, मैं तो कहूंगा भाई करवा ही लो, वो है भाई डाई वाली फ्लोरिंग। ये देखो मैंने आपको मैट उठा के दिखा रहा हूं भाई, फ्लोरिंग से ये फायदा रहता है। पहले आप इसकी क्वालिटी देखो, H2H फिटिंग के साथ आती है भाई पूरी की पूरी, कहीं से भी आपको बाहर निकली हुई नहीं दिखेगी। इससे रहता है भाई कोई लिक्विड गिर जाए, पानी गिर जाए, कोई बच्चा कुछ गिरा दे, इजीली क्लीन हो जाती है भाई। अभी जैसे ही कपड़ा है, अब इस पे कुछ गिरी आप इजीली क्लीन कर सकते हो, जो नीचे वाला कारपेट होता तो आप उसको क्लीन नहीं कर सकते, उस पे मिट्टी चिपकी रह जाती है। और इसको क्लीन करके आप इसके ऊपर मैट बिछा लो, अब जो भी गंदगी आएगी वो सीधी सीधी मैट पे आ जाएगी, इस तक तो जाने का मतलब ही नहीं, और कपड़ा तो बिल्कुल सेफ रहेगा आपका। अगर आप फ्यूचर में चल के इसको उखाड़ते भी हो ना अपनी फ्लोरिंग को, तो भाई नीचे का कारपेट जैसा नई गाड़ी के अंदर आता है ना बिल्कुल सेम टू सेम वैसा मिलने वाला आपको, ब्रांड न्यू का पूरा। तो भाई फ्लोरिंग करवा लो डाई वाली, काफी बढ़िया रहती है, उसके ऊपर मैट बिछा लो। मैट की आपकी अपनी चॉइस रहती है, या तो 70 डलवा लो या फिर अपने नॉर्मल ये वाले कंपनी से डले हुए, बाकी अभी भैया चेंज करवा रहे हैं इनको, देख रहे हैं पसंद कर रहे हैं कौन से पसंद आएंगे, उसके बाद भाई मैट भी चेंज हो जाएंगे इसके अंदर। अब दिखाता हूं भाई आपको असली प्रीमियम चीज जो गाड़ी के अंदर लगी है ना, जिसके लिए मैं आपको कह रहा था BMW स्टाइल वाली, वो है भाई इसका आर्मरेस्ट। ओरिजिनल BMW के जैसा डिजाइन मिल रहा है अपने को भाई, BMW की और इसकी क्वालिटी में फर्क तो होगा बट लेकिन लुक देखो ना, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो, ऐसे खींचोगे तो भाई अपना ओपन हो जाएगा, दूसरी बार दबाओगे तो यहाँ से अपना ओपन हो जाएगा, इसको बंद करना ऐसे कर सकते हो, दबा दोगे तो भाई बंद हो जाएगा।
और जो मेन चीज है ना भाई इसके अंदर, यहाँ पर अपने को कप होल्डर भी देखने के लिए मिलता है इसके अंदर पीछे, जिसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हो और बंद कर सकते हो। भाई इससे काफी ज्यादा प्रीमियम सी फील आती है गाड़ी के अंदर। आप पीछे कोई बंदा बैठेगा वो गिलास विलास रख सकता है, बोतल रख सकता है। तो भाई प्रॉपर BMW डिजाइन के अंदर अपना आर्मरेस्ट इंस्टॉल करा, काफी प्रीमियम सी क्वालिटी के अंदर लगता है देखने में। उसके बाद भाई इसके अंदर एक यहाँ पर USB पोर्ट भी लगा दिया, देख रहे हो भाई। इसके अंदर ना एक USB पोर्ट नहीं है, इसके अंदर भाई 7-7 USB पोर्ट आर्मरेस्ट के अंदर। आप कह रहे हो भाई 7 USB पोर्ट का क्या करना है, आपकी गाड़ी के अंदर अगर 7 बंदे बैठे हैं ना तो भाई 7ों के साथ फोन चार्ज कर सकते हैं। ये देखो भाई, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ठीक है, तीन ही हो गए फ्रंट में। अभी आपको जरा पीछे लेके चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ भाई पीछे कितने हैं इसके अंदर। भाई इतने जो आप USB पोर्ट देख रहे हो ना भाई, किसी गाड़ी के आर्मरेस्ट के अंदर तो क्या, किसी गाड़ी के अंदर पूरे के अंदर नहीं मिलेंगे जितने इसके आर्मरेस्ट के अंदर दे रखे खाली। ये देखो 1, 2, 3 और 4, भाई 7-7 USB पोर्ट आर्मरेस्ट के अंदर। भाई मजा आ गया गाड़ी के अंदर। एक आपको इसके अंदर भाई गुप्त जगह दिखाऊं, जिसके अंदर आप सामान वगैरह तो नहीं रख सकते, बट लेकिन अगर आपके पैसे हैं ना तो आप उनको जरूर रख सकते हो। यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप अपने कोइन वगैरह रख सकते हो भाई, बच्चों को देने के लिए। इसको इजीली निकाल सकते हो, ऐसे बंद भी कर सकते हो, और इसके अंदर आप यहाँ पे रख भी सकते हो भाई, जैसे कि बच्चों को होता है ना कि छोटे मोटे खुले पैसे रख दिए यहाँ पे। भाई काफी बढ़िया चीज है, AC वेंट वगैरह कंपनी से आ जाते हैं। भाई ये पूरी फिटिंग रहती है इसकी, प्रॉपर फिटिंग के साथ आता है आर्मरेस्ट अपना, भाई काफी बढ़िया लगता है प्रीमियम सा देखने में। और आप देखो भाई इसके ना जो पीछे वाले सीट कवर है, इनकी क्वालिटी देखो भाई। आगे वाले में तो देख लिया आपने, पीछे भाई आपको कहीं भी रिंकल नहीं मिलेगा, बिल्कुल रिंकल फ्री सीट कवर मिलने वाले भाई। चाहे नीचे की देख लो चाहे ऊपर की साइड देख लो भाई, बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी के अंदर सीट कवर लगाए गए हैं। जो अपना पूरा का पूरा इंटीरियर आता है ना इसके अंदर सिल्वर से कलर के अंदर, सेम उसी कलर के अंदर मैच करा है इसको, ब्लैक कलर के साथ और इस वाले कलर के साथ। डायमंड वाला डिजाइन है इसके अंदर, और यहाँ पर थोड़े से एक्स्ट्रा कुशनिंग कर रखी है भाई इसके अंदर, जो काफी बढ़िया लगती है भाई। थाई सपोर्ट भी एक्स्ट्रा लगा रखी है। देखो भाई पहले ना आपने नॉर्मल गाड़ियों के अंदर देखा होगा इतनी इतनी थाई सपोर्ट आती है, बट लेकिन इसके अंदर भाई एक्स्ट्रा कर रखी है, तो इसलिए पूरे के पूरे लेग कंफर्टेबली है भाई। इसके अंदर मैं बैठा हूँ ना ऐसा लग रहा है भाई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ पूरा का पूरा। एक बार भाई मैं ना पहले एक्स्ट्रा में बैठा था तो उसके अंदर ना थाई सपोर्ट कम थी, तो यहाँ तक आ रही थी, यहाँ तक देख रहे हो इसमें प्रॉपर आ रही है पूरी, यहाँ तक काफी कंफर्टेबल है। आप इसके अंदर अगर लॉन्ग जर्नी पे जाते हो ना तो भाई बड़े इजीली आप लॉन्ग जर्नी कर सकते हो एक्स्ट्रा के अंदर, अगर आप इस क्वालिटी के अंदर सीट कवर लगवा लेते हो ना भाई। काफी प्रीमियम वाले सीट कवर है ये, इंपोर्टेड होते हैं भाई सारे के सारे। तो भाई कहने मतलब ह्यूंडई एक्स्ट्रा के अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन हो जाती है। अगर आपको पीछे से एक्स्ट्रा की लुक दिखाता हूँ ना, तो आप भाई अगर एक्स्ट्रा का बेस मॉडल लेके आते हो ना तो उसके अंदर आप कैमरा भी लगवा सकते हो, स्पीकर सिस्टम, टच स्क्रीन वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगवा सकते हो। तो इसके अंदर थोड़ी बहुत ही मॉडिफिकेशन हुई है, बट लेकिन अगर आप बेस मॉडल लेके आओगे ना भाई उसके अंदर बहुत सारी हो जाती है। कैमरा भी इंस्टॉल करा सकते हो बेस मॉडल के अंदर लाके, इसके अंदर लगा हुआ है भाई कंपनी से, बट लेकिन अगर आप बेस मॉडल लेके आओगे सिल्वर स्टार पे आपको सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल करा देंगे और बढ़िया क्वालिटी के अंदर भाई। तो चलो एक बार आपको ह्यूंडई एक्स्ट्रा के ओनर से मिलवाता हूँ और उनका रिव्यू लेते हैं कि भाई उनको काम वगैरह कैसा लगा। तो गाइज अभी आपको मिलवाता हूँ ह्यूंडई एक्स्ट्रा के ओनर से, अपने साथ है उदय भैया। कैसे हो भैया? बढ़िया भाई। तो आज कहाँ से आना हुआ आपका भाई? यहीं मैं दिल्ली से हूँ, शादरा। दिल्ली शादरा से। तो अभी आप वीडियो वगैरह देख के आए सिल्वर स्टार पे, किसी ने रिकमेंड करा था आपको? यूट्यूब पे वीडियो देखी, यूट्यूब पे वीडियो देखी थी। तो भाई अपनी वीडियो देख के आए एक्स्ट्रा की। तो भैया ये बताओ आप जो सोच के आए थे गाड़ी के अंदर काम कैसा लगा भाई? A1 क्वालिटी है भाई, सब A1 क्वालिटी है चीजें, जो मैं सोच के आया था उससे ज्यादा ही मिला बल्कि। अच्छा, उससे ज्यादा ही मिला। तो भाई ने मॉडिफिकेशन तो अभी काफी कम कराई है, बट लेकिन सारी जेन्युइन कराई है आपने, है ना, जो काम की चीज है। तो भैया कितने खर्च कर देंगे फिर आपने भाई इसमें? ज्यादा से ज्यादा भाई हमारे 4 से 5 चीजों में हमारे लगे भाई इसमें 15,000 कुछ। 15,000 मात्र? 15,000 रुपए में? भाई 15,000 रुपये में आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर बढ़िया सामान मिल गया। ये जो आप आर्मरेस्ट देख रहे हो ना, मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं मिला होगा आपको जल्दी से। नहीं मिला, पता करा था वैसे आपने? देख लो, फिर भी भाई सिल्वर स्टार पे अवेलेबल करा दिया भाई को आर्मरेस्ट, और काफ़ी अच्छा लगता है। BMW डिज़ाइन के अंदर आ जाता है, यहाँ से आप ओपन क्लोज कर सकते हो ईजिली। और इसके अंदर मेन चीज़ 7-7 USB पोर्ट है। आप 7 बंदे बैठोगे, 7 जनों की गाड़ी भी नहीं है वैसे भी, जनों की है। हाँ, तब भी लेकिन भाई 7-7 USB पोर्ट दे रखे हैं, काफी बढ़िया चीज है। भाई ये बताओ आपका कोई फ्रेंड वगैरह उसको रिकमेंड करोगे आके काम कराए? भाई मैं तो हर किसी को बोलूंगा जो भी गाड़ी लेगा। अच्छा, हर किसी को बोलोगे? हर किसी को बोलूं। तो भाई मतलब भाई का ये कहना है कि जैसा सोचा था ना घर से, उससे भी बढ़िया क्वालिटी के अंदर काम मिला है भाई का। तो भैया सेटिस्फाई हो पूरे? बिल्कुल भाई। चलो चलो भाई, यही था एक छोटा सा रिव्यू, भैया को काम पसंद आ गया। और यही रहता है कि कोई ओनर अपनी गाड़ी लेके आता है, जितने पैसे खर्च कर रहा है उतने में काफ़ी बढ़िया सामान मिल जाए, है ना, ताकि ओनर भी खुश रहे। तो चलो भाई, यही था एक छोटा सा अपने भाई का रिव्यू, काम वगैरह सारी चीज़ पसंद आ गई। भाई अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा से काम कराना है गाड़ी के अंदर, तो आप भाई सिल्वर स्टार पे आ सकते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज अभी आपको मिलवाता हूँ सिल्वर स्टार कार सीरीज के ओनर से, अपने साथ है अलोक भैया। कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।
तो भैया आज एक्स्टर के मिड वेरिएंट को आपने टॉप से भी ऊपर बना दिया। कई काम होने वाले, जैसे डोर वाइजर वगैरह लगाए गए। ओके, बस जो जो कमी कह रहे थे वो पूरी करी। ओके ओके, जो प्रीमियम लुक दे सकती है और प्रीमियम एस सीरीज है सारी। तो एकदम प्रीमियम क्वालिटी का उसमें लगाएगा। बिल्कुल भैया, मेमोरी फोम जल के साथ लगाएगा। ओके ओके, तो आपने आउटपुट देखी होगी गाड़ी। अपने पास कितने स्टार्टिंग है? तो हमारे पास 4000 से स्टार्टिंग है। तो भाई अगर आप सिल्वर स्टार पे आते हो प्रीमियम क्लास के अंदर आपको काम मिलने वाला सारा। एड्रेस बता दो। ओके भाई, यही थी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।